Please subscribe. Click bell icon. दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत सुंदर एक नेक डिजाइन पाइपिंग में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसके लिए नेक विड्थ में बना रहा हूँ 3.5 इंच और नेक डेप्थ में इसी तरह तिरछा रख के मैं 7.5 इंच का मार्किंग कर रहा हूँ इधर। उसके बाद मैं इसको एक बॉक्स शेप बना के एक यू शेप में नेक बना देता है। ये देखिए हमारा नेक तो तैयार हो गया। अभी देखिए दूसरा एक पीस लिया मैंने, इसका जो ग्लू वाला साइड ऊपर की तरफ रख के मैं मार्किंग कर रहा हूँ। इसमें 1 इंच चौड़ाई और 5 इंच लंबाई में एक पीस काट के निकाल देने का। इसी तरह ध्यान में रखना, ग्लू वाला साइड ऊपर की तरफ ही रख देना चाहिए, फिर ये इसी तरह ही शेप बना दो। अभी हमारा दोनों पीस तैयार हो गया। अभी कपड़े में आयरन करके इसको चिपका देते हैं। देखिए इसमें मैं 2 पीस लिया हुआ है और एक ब्लैक पीस भी लिया हुआ है। ये जो ब्लैक पीस देखिए, ये जो रेड कलर का पीस से थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा रखा हुआ है मैंने। इसी तरह आप भी इसको थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा रख के बना देने का। उसके अंदर मैं कैनवास नहीं रखा हुआ है, ये इसी तरह एक के ऊपर एक रख के सिलाई कर देना है। दिखाता हूँ मैं किस तरह करते हैं। इससे सबसे पहले जो हमने नेकलाइन बना के रखा हुआ है उसका साइड इसी तरह मोड़ के सिलाई कर देता है। अभी देखिए ये जो नेक है इसको इसी तरह रखे हम, इसका जो अंदर वाला मार्किंग है वो मार्किंग इस कपड़े में कर देता है। आप इसी तरह रखे भी कर सकते हैं, नहीं तो जो कैनवास हमने काट के निकाला हुआ है उसको रखे भी अच्छी तरह इधर मार्किंग आपको कर सकते हैं, वही आपको अच्छा रहेगा क्योंकि हमें वो जो शेप बराबर मिलना चाहिए करके। ठीक है, ये देखिए इसी तरह इधर हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करने के बाद में ये जो ब्लैक पीस है वो इसी तरह रख के सिलाई कर देता है। ध्यान में रखना, ये मैं सेंटर से एक साइड में रखा हुआ है, सेंटर में नहीं रखा हुआ है, सेंटर से एक साइड में रखा हुआ है। इसी तरह रख के
हम सिलाई कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए ये पीस तो तैयार हो गया। अभी इसका जो दूसरा पीस भी इसके ऊपर रख के सिलाई कर देते हैं। ठीक है, अभी दोनों पीस अटैच हो गया। दोनों पीस अटैच होने के बाद में ये देखिए नेकलाइन हम इसी तरह अटैच कर देते हैं। अभी देखिए अटैच करने के बाद में हम क्वार्टर इंच चौड़ाई में सीम अलाउंस जोड़ के इसको इसी तरह काट के निकाल देते हैं और इसका किनारा भी सारे काट के देना चाहिए। देने के बाद में हम इसको पीछे की तरफ मोड़ के अच्छी तरह आयरन करके निकाल देते हैं। अभी देखिए 1.5 इंच चौड़ाई में उरे पट्टी काट के हम पाइपिंग बना देते हैं। सबसे पहले एक साइड इसी तरह मोड़ के सिलाई कर देता है, उसके बाद में इसके अंदर थ्रेड रख के हम डोरी वाला पाइपिंग बना देता है।
अभी हमारा पाइपिंग तैयार हो गया, इसको देखिए इसी तरह रख के हम अटैच कर देते हैं। Please click the below link to watch my other videos. अभी हमारा पाइपिंग अटैच हो गया, इसमें एक ही सिलाई किया हुआ है मैंने। अभी उसके बाद में भी इसको अच्छी तरह आयरन कर देता है, पीछे से भी आगे से भी अच्छी तरह आयरन करने के बाद में देखिए ये जो पाइपिंग है उसको पीछे जो हमने नेकलाइन मोड़ के रखा हुआ है उसी के साथ अटैच कर देते हैं इसी तरह, तभी हमें एक ही सिलाई में इसका काम फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में ये जो नेकलाइन अटैच किया हुआ है इसको भी हम लाइनिंग में अटैच कर देता है। Please like and share if you like my video. ये देखिए हमारा बहुत खूबसूरत नेक लाइन एकदम तैयार हो गया है। अभी इसके ऊपर दो फैब्रिक बटन भी हम इसी तरह लगा देते हैं। देखिए कितना सुंदर नेक डिज़ाइन बनाया हुआ है। आप भी ज़रूर इसी तरह पाइपिंग वाला लेटेस्ट नेक डिज़ाइन है ये ट्राई करके देख लीजिए। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। अगले एक अच्छे वीडियो के साथ मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।